और जो है बेमनों की मिसाल है कि मेमन जो है वो एक अपने बच्चे को कह रहा था कि यार ये फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ो वो चढ़ गया उनका मेमन का बच्चा उसने बोला छलांग मार मेमन के बच्चे ने बोला नहीं nah, बाबा मैं नहीं मांग रहा कोई लगे मैं हूं ना बाप है छलांग मार बच्चे ने छलांग मारी फ्रैक्चर हो गया कहने लगे बेटा बाद ये कारोबार में बाप पे भी भरोसा नहीं कर <laughs> अगर मैं भी बोलूँ ना मैं वो तो मेरे पे भी नहीं करी ऐसी तरबियत करी ऐसा कारोबारी बना वो गोल्डन मार्केट का नाम ही गिरानी क्योंकि उसकी तरबियत के अंदर था हूं ना जब वो कोदा फ्रैक्चर हुआ तो उसको मिसाल दी सारी जिंदगी उसकी उम्र थी सौदा साल कहने लगे कारोबार में अपने बाप पे भी भरोसा नहीं हुए पैसों के मामले में इतना खतरनाक है भाई तू इंदे स्टेट पे आते तीन साल में एक भी सौदा नहीं हुआ वो आके देखते मैंने कहा यार मेमन हो मैंने कहा भाई मैं नहीं बेच सकता कसम हो जाएगी पहले मैं पूछता हूँ मेमन मेमन ज्यादा वो अपने करते हैं ना अब इधर आके नहीं कर रही कहाँ से है ये पेम्पर इधर बेच रहे भाई अच्छा दीवार में कौन सा कंक्रीट डाला है भूसे मारे मैंने कहा दीवार गिर ना फिर दोबारा सरी लिया देख ले इसमें क्या लगा हुआ अब भाई घूसे मारने बताया था पल्ले बकाय पन्ने लगे हुए एक परसेंट भी देगी आप आधा ले लेना भाई ऐसा बात है ना कि आपस की बात मैंने कहा भाई महंगाई महंगाई हमारी तो छा ही महंगा और घर लेने के बाद तो नया फर्नीचर उतर रहा होता है रोकड़ी देने पर आप बोलोगे मेरे पास कुछ भी नहीं वो यही था उसके बाद फर्नीचर किसका तो, तो श्रीनगर नहीं, नहीं, से तो थोड़े पहले से बचप थी और तो पता चलता है कि वो भी ब्रोकर बन गया घर जब लिया कमीशन दिया तो अगली सब आगे बोलते हैं पड़ोसी घर बेच रहे है मेरा कितना होगा मैंने कहा जा भाई अभी तो आया था तू भी ब्रोकर बन गया कि ये माल है दो लाख अपने बच्चे को बनने मेट्रिक कर लिया तुम बिठा लो अपने कहा दुकान भेजा जाओ गोल्डन भाई क्या वाला नहीं हर जगह बच्चे छोड़ रहे हैं तू तो इधर सीख ले तो मोबाइल पे सीख ले तो साल सीख ले तो इसको पैकिंग सीख तो लगाना यार ऐसा तो कर ले घर अच्छा शुरू में गंदे के दे रहे थे चिपचिक नहीं वो सुबह उठता है बीवी और अकेले कारोबार की हम लोग क्या होते हैं ज्वाइंट फैमिली में टेंशन में घर जा रहे होते हैं बिल्कुल फ्रेश होगी गुट का दवाया आ भाई जान हटा रही है पैसे ले देने दे दिए ना देर गया दो कमरों का मकान बाटवा गाँव में देते ना घर सेट करके पूरा टेंशन ही नहीं है पहले दिन से ही फ्रेश दुकान पे जा रहा है सुबह उठते है ना सास ना सुसर ना नंद उसने बनाया खाना ऑमलेट उसको दिया बस जा रहा हुआ होगा छह बजे हो गया अपनी महारानी वाली जिंदगी वो नौकरानियों को इधर भी बोछा मारू उधर भी मारो उधर का तो ये कामयाबी का राज है आपके चैनल से बेमन लोग कामयाबी इसलिए क्योंकि इनकी चिक चिक नहीं होती और बिजनेस मैन होते हैं घर में इनका बिल्कुल सेपरेट होता है फ्लैटों को आबाद करने वाले बेमन है कराची के अंदर जो फ्लैट आबाद हुए हैं ना वो इन लोगों ने आप यकीन नो तो मतलब इनको आगे आगे। ये। में, ये समझ नहीं में से है। ये के, के खिलाफ नहीं हूँ हर कौन कराची का एक नुकता रखती है बगैर नुकते के अल्फाज नहीं होता ये हर चीज एक नुकता है तो ये वाली चीज है की आपस में इंसान डिस्कस कर आपके चैनल से बोल दिया मेमन जो है वो कारोबार में नंबर वन है